दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं आज ना युवा संगठन चैनल और लोकसभा चुनाव 2019 जालौर सिरोही और पूरे देश में संपन्न हो गए हैं। और आपको पता ही होगा कि बीजेपी ने यहाँ पे बड़ी जीत दर्ज की है, खासकर तो राजस्थान में कांग्रेस की खाता भी नहीं खुला और एक बड़ी जीत मानते हुए यहाँ पर दोबारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ लेंगे और हमारे जालौर सिरोही के लाडले सांसद देवजी भाई पटेल तीसरी बार हैट्रिक लगाकर मैदान में उतरे हैं। और हमने पिछला वीडियो जो बनाया था कि आखिर कौन जीतेगा, आप कमेंट करके हमें बताइएगा। जो हमारे पास कमेंट आए आज वही कमेंट हम आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए, हो सकता है आपका भी कमेंट आपको दिखे उसमें, क्योंकि जितने भी कमेंट आए थे वो सब रतन देवासी कांग्रेस के प्रत्याशी है उनके पक्ष में गए थे, यानी देवजी भाई पटेल के पक्ष में कोई कमेंट नहीं आया। हाँ आए हैं कमेंट, लेकिन उतने नहीं, ना के बराबर, यानी रतन देवासी के खाते में बहुत सारे कमेंट आए थे और ऐसी आशा की जा रही थी कि रतन देवासी जीत सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जितने भी कमेंट थे सब रतन देवासी के पक्ष में थे। वही हमने सारे कमेंट आज शॉर्टलिस्ट करके स्क्रीनशॉट लेके हम आपके वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं, तो हो सकते हैं आपका कमेंट भी इसमें आए तो हमें कमेंट बॉक्स करके नीचे जरूर बताएंगे। और हम बात करेंगे देवजी भाई पटेल की जीत के बारे में, कितने वोटों से जीते और कितने वोटों से नहीं जीते। और बहुत से लोगों ने तो ये भी कमेंट कर दिया था कि ये देवजी भाई पटेल का निजी चैनल है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आज ना युवा संगठन चैनल है, हर प्रकार के वीडियो देते हैं हम, हर राजनीति पर वीडियो देते हैं, राजस्थान की इतिहास पर वीडियो देते हैं, आपको हर जगह से वीडियो मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम राजनीति से ताल्लुक नहीं रखते हैं, हम जो रहता है वही दिखाते हैं। हमने एग्जिट पोल भी आपको दिखाई थी तो आपने बोला कि ये देवजी भाई का पटेल है, देवजी भाई पटेल का चैनल है, तो देवजी भाई पटेल के बारे में एग्जिट पोल बता रहे हैं आप, जीतेगा तो रतन देवासी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पासा पलट गया और यहाँ पे जालौर के सांसद देवजी भाई पटेल ने हैट्रिक लगा दी। तो अब बात करेंगे, आप कमेंट देखते रहिए, आपके कमेंट नीचे शॉर्टलिस्ट में आते हैं या नहीं। हम बात करेंगे देवजी भाई पटेल के बारे में। जालौर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी की तरफ से खड़े हुए, पूरा नाम देवजी मानसिंह राम पटेल, बहुत बड़ी जीत दर्ज की है। देवजी मानसिंह राम ने कांग्रेस के रतन देवासी को 2,61,110 वोटों से हराया है, बहुत ज़्यादा अंतर है। देवजी के खाते में टोटल मिला के वोट माने जाए तो 7,72,833, वही कांग्रेस के रतन देवासी के खाते में 5,117,23 वोट आए हैं। 2014 में राजस्थान राज्य में जालौर लोकसभा क्षेत्र में देवजी पटेल का निर्वाचन हुआ था, उन्होंने वहाँ पर 5,850 वोट मिले थे, उनकी पार्टी बीजेपी है। उन्होंने अंजना लाल उदय को 3,81,145 वोटों से हराया था 2014 में। निकटतम प्रतिनिधि की पार्टी कांग्रेस थी, 2014 में कुल 59% वोट पड़े थे। जालौर राजस्थान राज्य का एक ऐतिहासिक शहर है, यह शहर प्राचीन काल में जावलीपुर के नाम से जाना जाता था। जालौर जिला मुख्यालय पर स्थित लूनी नदी की उपकरणी सुकरी दक्षिण में जालौर राज्य का ऐतिहासिक जिला है। जालौर किला, वहाँ पर फेमस एक जहाज मंदिर, सुरनतीरी तीर्थ, उमेदपुर तीर्थ यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहाँ पे जाकर आप घूम सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 8 विधानसभा क्षेत्र है। 1952 में यहाँ पहला लोकसभा चुनाव हुआ था। दिल्ली से जालौर की कुल किलोमीटर 757 किलोमीटर दिल्ली से जालौर की जो नीति है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि आखिर देवजी भाई पटेल तीसरी बार यहाँ पे कांग्रेस भाजपा प्रत्याशी के तौर पर जीते कैसे हैं। उन्होंने पहली प्रत्याशी के रूप में जब जीते तो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ 4,00,000 से ऊपर वोटों से यहाँ पे हराया था। उसके बाद में दोबारा उन्होंने चुना तो भी उन्होंने जीत दर्ज की। इस बार मोदी के भरोसे उन्होंने उतारा गया, क्योंकि दूसरा कोई प्रत्याशी भाजपा के साथ में इतना मजबूत, इतना अनुभवी था नहीं जो कि मैदान में उतर सके। सामने यहाँ पे कांग्रेस ने जो चाल चली थी रतन देवासी को खड़ा किया था, क्योंकि उनको मालूम था कि यहाँ पे जातिगण वोट ज़्यादा है और जातिगण वोट के अलावा जातिगण वोट बढ़ जाएंगे तो इससे बीजेपी को नुकसान होगा। लेकिन अभी जो देश की जनता है वो समझदार हो गई है और ये घाटा कांग्रेस को इस तरह हुआ, जिस तरह से एक भी सीट नहीं, उसका मुख्य कारण आपको हम बता दें कि जो लोकसभा चुनाव से पहले 4 महीने पहले जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस ने ये वादा करके अपने वोट हासिल कर दिए थे कि हम सरकार आप हमारी बना देंगे तो हम सारे कर्ज माफ़ कर देंगे। तो यहाँ पे जितने भी किसान भाई थे और सबने वोट